सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्टिव्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रॉड एनालिस्ट बनकर आप अपना करियर जो है कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं फ्रॉड एनालिस्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इनका जो मुख्य काम होता है वो फ्रॉड प्रैक्टिस की जांच करना होता है। इसके अलावा फ्रॉड एनालिस्ट जो है जांच पड़ताल करने के अलावा भी कंपनियों में होने वाली हैकिंग, गैर कानूनी लेन देन, उसके अलावा उनको रोकने के लिए काम भी करते हैं। इसके अलावा इस फील्ड में तेज़ी से क्या है कि अब करियर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उनमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है फ्रॉड एनालिस्ट की। तो ऐसे में क्या है कि आप भी अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, फ्रॉड एनालिस्ट को क्या है कि इंटरनल जो टूल्स होते हैं उनके जरिए क्या है कि डेटा कलेक्शन करके फ्रॉड को रोकना होता है। इसके अलावा कंपनी जो होती है उसके प्रत्येक डिपार्टमेंट से बातचीत करके तालमेल बिठाना होता है। उसके अलावा दोस्तों टूल्स डिज़ाइन और डेवलप करने होते हैं जिससे क्या है कि फ्रॉड को आगे होने से रोका जा सके। और अगर आप फ्रॉड एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि मुख्य रूप से क्या है कि आपका माइंड जो है इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड होना चाहिए। इसके अलावा डेटा एनालिसिस टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा टीम मैनेजमेंट भी आपके अंदर होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि योग्यता की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि फ्रॉड एनालिस्ट बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद क्या है कि आप सर्टिफाइड सिक्योरिटी और फॉरेंसिक एनालिस्ट जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं इसके अंदर क्या है कि फ्रॉड से कंपनियों को बचाने की बेसिक आपको पूरी जानकारी आपको दी जाती है। इसके अलावा ऐसे कोर्स में क्या है कि ऑपरेटिंग सिक्योरिटी सिस्टम और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। अब ये कोर्स कहाँ से करें, तो दोस्तों आप बताना चाहूँगा कि आपके आसपास में क्या है कि गूगल सर्च आप करके चेक करेंगे तो आपके आसपास में फ्रॉड एनालिस्ट के जो कॉलेजेस हैं वो आपको पूरी तरह से नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आप क्या है कि फ्रॉड एनालिस्ट का जो है आप कोर्स करके आप अच्छा करियर अपना बना सकते हैं और उन कॉलेजेस में जाके पूरी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। कॉलेजेस में जानकारी आपको अगर आपको अच्छी लगती है उनकी जानकारी और फीस वगैरह पता करके अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने इस वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।